दोस्तों नमस्कार। इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम आपको प्रैक्टिस श्रृंखला बाल विकास की, इसके पहले बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला दिए हैं। इसके पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आवाज़ नहीं आ पाई थी, चलिए उसी वीडियो को हम फिर से बना दे रहे हैं, फिर से इस क्लास को ले रहे हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आ पाई थी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास और देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको मैं प्रतिदिन यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो आपको बताना है कि गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ पे कितने दिन लगते हैं आपको बताना होगा, कितने दिन लगते हैं, 640, 280 या 150 या 390। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या उपरोक्त सभी। आपको बताना होगा आंसर क्या हो जाएगा, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पूर्व बाल्यावस्था, तो इसका आंसर यहाँ पे बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि खिलौने की आयु जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं आपको यहाँ पे बताना है, पर्यावरण है, आहार है, स्वास्थ्य है या ये सभी। तो जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं वो ये सभी आ जाएंगे क्योंकि पर्यावरण भी प्रभावित करता है, आहार भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, ये सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आंसर बताना है आपको, शारीरिक पर्यावरण, बुद्धिमत्ता या जैविक कारक या अनुवांशिक कारक। तो इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, शारीरिक पर्यावरण। शारीरिक पर्यावरण इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुशासित करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो बाल विकास का एक सिद्धांत इन चारों में से कौन सा नहीं है आपको बताना है ना। तो इन चारों में से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, वो नहीं है चौथा, सभी विकास और विकास तथा अधिगम एक गति से आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी क्योंकि एक एक गति से आगे नहीं बढ़ते, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, अलग अलग तरीके से अधिगम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव या फिर परिवार या पशु। तो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित क्या है आप यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखें तो पर्यावरण से संबंधित जैव अजैव ही हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा जैव अजैविक अजैव हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित ये होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम, यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गार्डनर के साथ अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है, गार्डनर का जो सात अभियोग्यताएं दी गई हैं तो इन चारों में से कौन सी वो नहीं है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, भावनात्मक अभियोग्यता ये आपकी गार्डनर की नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम, अगला क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन सी है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चौथा, डी, डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं एवं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है, वाक्य है, संकेत प्रयोग विज्ञान है या स्वनिम है या रूपिम है। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रूपिम, क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या बात है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं,
तो ये इसका बताना है सत्य धारणा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, या फिर तीसरा अनुवांशिक आधारित धारणा है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है ये। गलत बात है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं ऐसा आपको नहीं समझना है, बिल्कुल होती ही नहीं है, ये गलत बात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। तो इन चारों में से आपको उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा इसका सी, जेंडर भूमिका ऋणीबद्धता। क्या हो जाएगा आंसर? जेंडर भूमिका ऋणीबद्धता इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को लगाइए और आप प्रैक्टिस सेट का लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, क्या यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, या फिर दूसरा यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या तीसरा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या चौथा इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इसका आंसर आपको बताना होगा। 19 का क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है निम्न कहलाता है। तो आपको बताना है क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या कहलाता है? आरंभिक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वास्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? तो वास्तविक वास्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में इन चारों में से किसको रखा जाता है आपको उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सत्य असत्य, सत्य या असत्य को रखा जाता है वास्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो इन चारों में आपको बताना है कि भिन्न क्या हो जाएगा, इन चारों में आपको बताना होगा। तो इन चारों में जो भिन्न होगा वो होगा आपका सी, रेवेन का परीक्षण, ये यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, रेवेन का परीक्षण भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। विशेष शिक्षा संबंधित है, विशेष शिक्षा संबंधित है, तो आपको आंसर बताना है। विशेष शिक्षा संबंधित है पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, या दूसरा कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में से, या मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। लगातार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। शिक्षा पर अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो किस दायित्व को पूरा करना होगा शिक्षक के? तो 2009 के अनुसार आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी, क्योंकि पहला पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये तीनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना होगा कि पुरस्कार के लिए, या शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या अपनी रुचि से, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो अपनी रुचि से कुछ गतिविधियाँ करते हैं। ठीक है, तो उनकी रुचि से आपको कार्य करने देना चाहिए, उनकी रुचि से जब तक वो कार्य करेगा तो ही क्या होगा सही तरीके से वो सृजनात्मक बालक बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान पर प्रयोग करके किया था। तो चूहे पर, खरगोश पर, या फिर आपके कुत्ते पर, या बिल्ली पर? तो इसका आंसर बताना है आपको। पावलोव ने किस पे क्या किया था?
परीक्षण किया था, प्रतिपादन सिद्धांत बनाया था, तो ये बनाया था कुत्ते, कुत्ते पर परीक्षण किया था उनने, है ना। याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। अगली वीडियो में जल्द ही मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हूँगा। लगातार मेरी प्रैक्टिस श्रृंखलाओं को देखते रहें, पुरानी प्रैक्टिस श्रृंखला नहीं देखे हैं लगातार आप देखिए, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।